नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वाक्य के भेद की, कि आखिर वाक्य के कितने भेद होते हैं। जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो हो, लेखपाल हो, सुपर टेट हो, या फिर आपकी यूपी की या फिर इंडिया की कोई भी आपकी भर्ती प्रक्रिया समय हो, वहाँ पे हिंदी का अलग एक इंपॉर्टेंस होता है। हिंदी के प्रश्न आपसे हमेशा पूछे आते हैं और मैंने आपसे बार बार कहा है हिंदी के प्रश्नों को आपको यही करना है कि मिनिमम मिस्टेक हिंदी में करनी है। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि कितने होते हैं। देखिए दोस्तों, वाक्य के भेद दो प्रकार से होते हैं। एक आपका अर्थ के आधार पर भेद होता है और एक आपका रचना के आधार पर भेद होता है। तो रचना के आधार पर जो भेद होता है वो ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन कई बार आपसे अर्थ के आधार पर ही भेद पूछ लिए जाते हैं। तो आपको हम यहाँ पे बेसिक नॉलेज दे देंगे कि अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे पता होगा कि कौन सा भेद है कि नहीं है। देखिए पहला बताएंगे आपको हम अर्थ के आधार पर। देखिए आठ भेद होते हैं दोस्तों। पहला है विधानवाचक। विधानवाचक दोस्तों क्या होता है? विधानवाचक वो होता है जिस भी वाक्य से आपको किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है वो आपका विधानवाचक होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत एक महान देश है, तो आपको इससे क्या मिल रही है? जानकारी मिल रही है कि भारत एक देश है आपका, तो ये आपका क्या हो गया? विधानवाचक। या फिर मैंने बताया आपसे कि श्री रामचंद्र के पिता का नाम दशरथ था, तो ये भी आपका क्या है? एक जानकारी मिल रही। तो कोई भी जानकारी, साधारण सा वाक्य हो, वो आपका क्या होता है? विधानवाचक। दूसरा देखिए दोस्तों, आपका निषेधवाचक है। निषेधवाचक क्या होता है दोस्तों? जहाँ भी नेगेटिव चीज़ आ जाए, जैसे कि राम ने खाना नहीं खाया, मैंने ये काम नहीं किया, वो सब क्या है आपके? नेगेटिव चीज़ बता रहे हैं, निषेधवाचक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका दोस्तों है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है? जब आप क्वेश्चन करते हैं, प्रश्नवाचक में जब आप क्वेश्चन करते हैं किसी से कि राम ने क्या काम किया, तो आप पूछ रहे हैं ना कि राम ने क्या काम किया, राम ने कितनी पढ़ाई की, राम कितने बजे सोया, ये सब जब भी आपसे आएगा तो क्या होगा? ये आपका प्रश्नवाचक होगा, ठीक है। उसके बाद आपका दोस्तों है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है? या तो आज्ञात की जाए या फिर आपसे कोई रिक्वेस्ट या प्रार्थना की जाए, वो सब क्या आता है आपका? आज्ञावाचक में। जैसे कि मैंने आपसे कहा कृपया शांति बनाए रखिए, तो ये मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन ये भी क्या होगा? आज्ञावाचक। या फिर आप किसी से बोलते हैं कि चुपचाप बैठो, चुपचाप शांत बैठो, वो क्या हो जाएगा? आज्ञा दी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आज्ञावाचक। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है? विस्मयाधिबोधक। विस्मयाधिबोधक में क्या होता है? जब भी आपको हर्ष, उल्लास या फिर आपको दुख का अनुभव हो, तब जो आप एक्सप्रेशन देते हैं उसे क्या बोलते हैं? विस्मयाधिबोधक। जैसे हमने कहा आपसे, आहा कितना मज़ा आ गया, उफ कितनी गर्मी है, तो ये सब आपके क्या है? विस्मयाधिबोधक है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका छठा है इच्छावाचक। इच्छावाचक क्या होती है? जब भी किसी को इच्छा आपको वाक्य में दिखेगी वो आपका इच्छावाचक वाक्य होगा। जैसे कि आपको इंग्लिश में लोग बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, तो ये किसी की इच्छा है, ठीक है। तुम हमेशा या तुम सदैव सुखी रहो, ये भी किसी की इच्छा है। तो ये सब क्या सेंटेंस है आपके? ये होंगे, अगर ऐसे सेंटेंस आएंगे तो ये ऐसे वाक्य आते हैं तो वो क्या होते हैं आपके? इच्छावाचक। अब देखिए दोस्तों, आपको वाक्य पता होगा, वाक्य बताना मुझे नहीं ज़रूरी है कि वाक्य क्या होते हैं। शब्दों के जो भी आपके प्रॉपर फॉर्मेशन होते हैं जिनसे कुछ जानकारी मिले, वो आपके क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। शब्दों के जोड़ जिससे कि आपको एक मीनिंगफुल समझ, कुछ समझ में आए बातें, वो क्या होते हैं आपके? वाक्य होते हैं, ठीक है। तो वाक्य आपको पता है। फिर दोस्तों उसके बाद क्या है? संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है? जैसे मैंने कहा राम का घर बाएं से दूसरी तरफ है, तो वो क्या है आपका? संकेत है। राम का घर इस तरफ है, राम ने ये काम की नहीं, राम ने कुछ भी ऐसा, जो जहाँ संकेत हो इधर उधर या फिर कोई चीज़ बताएं कि बाएं दाएं, वहाँ पे क्या है? संकेत मिल रहा है, तो वो आपका क्या होगा? संकेतवाचक। संदेहवाचक में क्या होता है? जब आपको किसी चीज़ में कोई काम में डाउट होता है, संदेह होता, तो आप वहाँ पे क्या बोलते हो? संदेहवाचक। जैसे कि मैंने पूछा राम ने कल खाना खाया था क्या, क्या कल राम ने खाना खाया था, तो ये क्या है? संदेह वाला है, कि संदेह है कल रात में राम ने खाना खाया था या नहीं। आप ये क्या से मत कन्फ्यूज़ हो जाना। प्रश्न देखिए अलग होता है, संदेह अलग होता है, ठीक है। प्रश्न में क्या होगा? आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेगा कि क्वेश्चन, इसका उत्तर आपको देना होगा, और संदेह में क्या होगा? आपको डाउट होगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी इतना है, अब हम लोग इसके बाद बढ़ेंगे अभी दूसरा, रचना के आधार पर भेद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वाक्यों के भेद पे, और उनके बारे में बात करने जा रहे हैं रचना के आधार पर जो भेद हैं आपके। हम लोगों ने ये बात की थी अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, मैंने आपको पूरा बताया कि आठ भेद होते हैं, उनके उदाहरण भी बताए। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर भेद कितने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर, परीक्षा में ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता डेफिनेशन, लेकिन आपसे पूछा जाता है आपको पहचान होनी चाहिए कौन सा साधारण वाक्य है, दूसरा आपका कौन सा संयुक्त वाक्य, और तीसरा आपका कौन सा मिश्र वाक्य है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि कैसे होता है डिफाइन, और फिर यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप बताइएगा कि वो कौन से वाक्य हैं। साधारण वाक्य में दोस्तों क्या होता है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। आपको पता है एक वाक्य में क्या होता है? एक आपका उद्देश्य होता है, जो मेन आपका पर्सन होता है वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, जिसे आपने इंग्लिश में पढ़ते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो जो मेन होता है वो आपका क्या होता है? उद्देश्य। और जो पूरा उसका काम होता है वो क्या होता है? आपका विधेय, ठीक है। जैसे कि लड़कियाँ खेलती हैं,
ये क्या आपका साधारण वाक्य, यहाँ पे क्या है, लड़कियाँ आपका उद्देश्य है और खेलती हैं क्या आपका विधेय। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है, लड़कियाँ खेलती हैं, ये आपका क्या है, साधारण वाक्य। उसके देखिए दोस्तों संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो आपके उपवाक्य आपस में जोड़े जाते हैं, कोई भी वहाँ पे संयोजक लगता है, विभाजक लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम, संयुक्त वाक्य। जैसे कि पर, किंतु, और, या, इसलिए, ये सब आपको जहाँ भी वाक्य में दिख जाए बिना सोचे समझे आपको टिक करना है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य को दोस्तों पहचानना बहुत ही आसान है, जैसे आपको दिख जाए पर लिखा है, किंतु लिखा है, इसलिए जहाँ भी आ रहा है कि राम देर से आया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, वो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं करा इसलिए फेल हो गया, इसलिए आ गया, तो ये भी क्या है आपका, संयुक्त वाक्य है। उदाहरण मैंने एक लिखा है गीता गई और सीता आई, तो आपके वाक्य है ना ये क्या हो गया, इनको जोड़ दिया गया किससे, और से, गीता गई और सीता आई, ये आपका क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। तीसरा आपका है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य दोस्तों क्या होता है, इसको पहचानने में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको एक चीज़ देखनी, यहाँ पे आश्रित होता है, आश्रित उपवाक्य मतलब वो किसी पर डिपेंड होता है। जैसे कि हमने लिखा है ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, तो देखिए उसका सोना किस पर डिपेंड है, दवा पीने पे है। तो जब भी आपको ऐसा दिखेगा कि पीछे वाली चीज़ आपकी किसी पर डिपेंड हो रही है, कोई भी चीज़ आपकी किसी पर डिपेंड हो रही है, आश्रित हो रही है, तो वो क्या होगा आपका, मिश्र वाक्य होगा। जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो यहाँ पे देखिए आप उत्तीर्ण करना किस पर डिपेंड है, परिश्रम करने पे। ठीक है, यदि परिश्रम करोगे तभी उत्तीर्ण हो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं हो पाओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए हैं, उदाहरण इसे दिए कि प्रैक्टिस, आपको इसे समझाने के लिए कि प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी चीज़ होती है, आपको सिर्फ देखना नहीं है। यह खबर मैंने समाचार पत्र में पढ़ी, तो ये क्या है बताइए आपका, ये आपका जो मैंने बताया था आपको अर्थ के आधार पर भेद में विधानवाचक, ये विधानवाचक वाक्य है। दूसरा देखिए ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, ये क्या है, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, किसी की क्या है, इच्छा है, तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य। तीसरा क्या है, आप घर जाएंगे या पार्क से जाएंगे, तो यहाँ देखिए आपको मैंने बताया संयुक्त वाचक को पहचानना बहुत आसान है, या लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है आपका, उसके बाद क्या है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, तो यहाँ पे देखिए सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये क्या है, ये आपका मिश्र वाक्य है, क्योंकि नौकर ईमानदार ये बात कौन जानता है, ये बात सेठ जानता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मिश्र वाक्य। ठीक है, रमा की गाय दूध देती है, ये क्या है आपका, साधारण वाक्य है। फिर राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो ये क्या है, मैंने आपको बताया ना, या, पर, किंतु, ये सब क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, संयुक्त वाक्य। सबसे लास्ट में क्या है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, ये क्या है बताइए आप लोग, सरल वाक्य है कि आपका मिश्र वाक्य है, संयुक्त तो नहीं है, कौन सा बताइए, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर, ये क्या है आपका, मिश्र वाक्य है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक आपका क्या है, ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, और यहाँ बस तो इतने अभी आपके उदाहरण मैंने दिए हैं आपको, अब आपको अगर समझ में आ जाए या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी आपको एक बात बताऊँ, जितनी प्रैक्टिस हो सके, जब भी कोई टॉपिक पढ़िए उसकी जितनी प्रैक्टिस लगा लेंगे उतने आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, फिर आपको देखिएगा एग्जाम के पहले पढ़ने की भी उन टॉपिक्स को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा।